वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हुसैन फ्री ब्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं न्यू गार्डन कार्ड्स पे और हम यहाँ पे जो है वो आज आपके लिए जो रिव्यू लेके आए हैं वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर V2.7 पेट्रोल वेरियंट का। ये गाड़ी जो है ये 2022 मॉडल है, 2022 मॉडल है और ये वी वेरियंट है जो पेट्रोल होता है, 2.7 4x4 होता है और पेट्रोल वेरियंट होता है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करें तो गाड़ी के फ्रंट में सबसे पहले आपको LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। DRL भी इसके अंदर LED है और इसमें हाई बीम लो बीम दोनों LED आपको मिल जाती हैं। अगर हम नीचे आ जाए, नीचे आपके पास जो है गाड़ी के अंदर LED फॉग लैम्प्स आ जाते हैं और ये गाड़ी के अंदर सामने आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी की ओवरऑल आप फ्रंट लुक देख सकते हैं। गाड़ी की फ्रंट लुक आप, जैसे कि आप सबको पता है फॉर्च्यूनर की जो फ्रंट लुक है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव फ्रंट लुक है फॉर्च्यूनर की। और ये गाड़ी जो है ये 2022 मॉडल है। उस गाड़ी की कंडीशन भी आपके सामने है कि ब्लैक कलर में गाड़ी है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, नीट कंडीशन के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर आ जाएँ तो गाड़ी के अंदर जो है आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं जो फॉर्च्यूनर V2.7 है और फॉर्च्यूनर Sigma 4 है उसके अंदर, और आपको अलॉय रिम्स बिल्कुल सेम मिलते हैं। और साथ आपके पास जो है डनलॉप का इस गाड़ी के अंदर आपको टायर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डनलॉप के, आप सबको पता है कि टायर्स होते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको साइड टर्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं और जो आपके डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम में मिल जाते हैं। और ये गाड़ी की ओवरऑल आप साइड लुक देख सकते हैं, गाड़ी फ्रेश लुक के अंदर है। गाड़ी बिल्कुल अभी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी है, 2022 का मॉडल है और गाड़ी आपके सामने है। उसके बाद अगर हम गाड़ी की बैक की तरफ आ जाएं तो गाड़ी के बैक आप देख सकते हैं, गाड़ी के पीछे भी आपको LED बैक लैंप्स मिल जाते हैं, साथ पीछे आपको इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और ये गाड़ी की ओवरऑल बैक लुक देख सकते हैं। गाड़ी की अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें, मैं आपको गाड़ी की ट्रंक स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो गाड़ी के अंदर ऑटो टेल गेट मौजूद है क्योंकि वी वेरियंट है, वी वेरियंट के अंदर आपको और सिग्मा 4 के अंदर आपको ऑटो टेल गेट दोनों के अंदर मिलता है। ये गाड़ी की पीछे सेवन सीटर के लिए जो सीट्स हैं वो फोल्ड हुई हुई हैं और पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो लगेज स्पेस मौजूद है गाड़ी के अंदर। अगर हम गाड़ी के स्पेयर व्हील की बात करें तो गाड़ी का स्पेयर व्हील आपको ये नीचे मिलता है फॉर्च्यूनर में और ये गाड़ी की आप ओवरऑल लगेज स्पेस देख सकते हैं। अब गाड़ी का ऑटो टेल गेट यूज़ करते हुए हम गाड़ी का जो बूट है वो बंद करेंगे और ये आपने ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर देख लिया है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है और ये गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर आपके सामने है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री विद बूस्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ड्राइवर डोर साइड पे आ जाए, सबसे पहले तो आप गाड़ी का इंटीरियर देखें कि कैमल बेज कलर है, ब्लैक और कैमल बेज के जो है टच में इसका इंटीरियर है। गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। उसके अलावा ये गाड़ी की आप ओवरऑल इंटीरियर की कंडीशन भी देख सकते हैं। गाड़ी मैंने आपको बताया कि बहुत कम चली हुई है, गाड़ी ऑलमोस्ट 32,914 किलोमीटर चली हुई है और गाड़ी की जो कंडीशन है वो ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी इसमें मौजूद है। ड्राइवर डोर साइड पर आ जाएँ, लेदर सॉफ्ट टच मिल जाती है पैडिंग यहाँ पर भी आपको। उसके अलावा यहाँ पर आपको साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये आपके पास बाकी कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास ये पार्किंग सेंसर का बटन आ जाता है और उसके अलावा ये ऊपर आपका पुश स्टार्ट आ जाता है और ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर आपके सामने है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, सबसे पहले गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ कि गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके सामने है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बैठते हैं और आपको गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बैठ के मैं आपको गाड़ी का पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, अगर हम गाड़ी के इंटीरियर में आ जाएं सबसे पहले तो ये आप इंटीरियर देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपके जो है वो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस साइड पे आपके पास जो आपकी फ्रंट पे MID आपके पास होती है उसके कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप मैनुअली गाड़ी के जो गियर्स है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है और ये गाड़ी का आप स्टेयरिंग व्हील और गाड़ी का मीटर देख सकते हैं। अगर इस सेंटर कंसोल में आ जाए तो यहाँ पे आपके पास टोयोटा की एंड्रॉयड स्क्रीन आपके पास आ जाती है और काफ़ी अच्छा साइज़, अच्छी स्क्रीन है
उसके अलावा नीचे आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है टोयोटा का, और नीचे क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया 4x4 है तो ये आपके पास 4x4 का बटन आ जाता है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंशियल लॉक वगैरह आ जाता है, यहाँ पे आपका पावर मोड है, पावर मोड आ जाता है, इको मोड आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये आपके पास गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। इसके अंदर ट्रिपट्रॉनिक की ऑप्शन भी मौजूद है, एस पे करके यहाँ से प्लस माइनस पे करके आप यहाँ से भी गाड़ी के गियर चेंज कर सकते हैं और पेडल शिफ्टर से भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके पास सनग्लासेस होल्डर एक आ जाता है, और ये गाड़ी के अंदर LED इंटीरियर लाइट्स भी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत से लोगों को पता होगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे कूल बॉक्स भी मिलता है, ये इसका कूल बॉक्स है। इसके अंदर AC की जो एयर वेंट होती है वो एक मौजूद है, जिससे कोई भी अगर आप इसके अंदर ठंडी चीज़ फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्दियों में गर्मियों में रखते हैं तो आपकी वो ठंडी रहती है। और नीचे आपके पास यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, और ये जो है इसके अंदर इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास लॉक करने की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं। अगर गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो आप सबको पता है कि जो रिवो है और जो फॉर्चूनर है ये SUVs में आती हैं, और SUVs का जो है सिटिंग कम्फर्ट जो है वो सेडान से कम होता है थोड़ा सा, लेकिन इस गाड़ी का भी सिटिंग कम्फर्ट जो है वो अच्छा है। उसके अलावा इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है। अगर अब हम गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको गाड़ी की बैक सीट्स के बारे में चल के बताता हूँ। सो व्यूअर्स, अगर हम गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ आ जाएं तो गाड़ी का जो आप डोर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर खुलता है, और गाड़ी के पीछे जो है यहाँ पर बड़ी अच्छी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर 3 बड़े भी आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि प्रॉपर SUV है। जो आपकी क्रॉसओवर्स होती हैं उनमें पीछे इतनी स्पेस नहीं होती कि एक लॉन्ग जर्नी पे 3 बड़े आराम से बैठ सकें, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है आपकी मौजूद है स्पेस और 3 बड़े यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे पीछे से और लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस इस गाड़ी की अच्छी होगी क्योंकि ये गाड़ी एक SUV है, और आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत अच्छी लेग स्पेस मौजूद है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी 3 बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और ये गाड़ी प्रॉपर एक 7 सीटर है क्योंकि यहाँ पे पीछे 3 बंदों की स्पेस मौजूद है। और ये गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। उसके अलावा पीछे भी आपके पास यहाँ पे AC वेंट्स आपके पास हैं, और उन AC वेंट्स के कंट्रोल आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप उस AC को कंट्रोल ऑन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, और पीछे आपके पास यहाँ पे LED लाइट भी मौजूद है, और यह पीछे भी ट्रंक स्पेस देख सकते हैं और पीछे की भी सीट्स देख सकते हैं। तो ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर आपके सामने है। सो व्यूअर्स, यही था आज का हमारा रिव्यू टोयोटा फॉर्चूनर V2.7 4x4 का। और ये गाड़ी की अगर पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी फॉर सेल है, ये गाड़ी 2022 मॉडल है, ऑलमोस्ट 32,000 किलोमीटर चली हुई है, और ये गाड़ी टोटल जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। मैंने इस गाड़ी की कंडीशन भी बहुत साफ है, बहुत अच्छी कंडीशन की ये गाड़ी है। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिटेल्स में नंबर मेंशन कर दूंगा न्यू गार्डन कार्स का, ठीक है। न्यू गार्डन कार जो है इनका जो ऑफिस है वो न्यू गार्डन टाउन के अंदर है, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, ठीक है। और मैं इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा नीचे डिटेल्स में, और इनकी लोकेशन भी ऐड कर दूंगा। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप आके गाड़ी यहाँ पर विजिट करके देख भी सकते हैं, और ये गाड़ी जो है वो आप फोन करके इसकी डिटेल्स वगैरह भी ले सकते हैं। इस गाड़ी की डिमांड कितनी है वो सारी चीज़ें आपको कॉल करके पता चलेगी। तो व्यूअर्स, यही थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।